हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेश। यह है देहरादून का ISBT। सुबह के इस समय बज रहे हैं 6:30 और जल्दी हम यहाँ से निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए। यहाँ से सब जगह के लिए मैक्सिमम बसेस मिल जाती हैं। और ये सामने खड़ी है हमारी वॉल्वो। यह ISBT का पार्किंग एरिया है, जहाँ कार और स्कूटर्स वगैरह आप सब खड़ी कर सकते हैं। आजकल बरसात है, सो इसलिए आपको जगह जगह दिख रहा होगा कि कीचड़ भी काफ़ी है, कई जगह पानी भी भरा हुआ है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, जल्दी हम आपको आगे दिल्ली का वीडियो दिखाते हैं कि हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको लेकर आ चुके हैं प्रगति मैदान, जहाँ पर गिफ्ट वर्ल्ड एक्सपो 2023 लगा हुआ है। और जो कोई भी भाई लोग अपना गिफ्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कोई नई गिफ्ट आइटम्स देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में सब आपको आगे दिखाएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर जो है इसका एंट्री फीस क्या है। यह 27 जुलाई से 29 जुलाई तक यहाँ पर लगा है और आज हम लास्ट डे 29 जुलाई को यहाँ पर आए हैं। प्रगति मैदान में हॉल नंबर 3, 4 और 5 में, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, यहाँ पर लगा हुआ है गिफ्ट एक्सपो एग्जीबिशन। यहाँ गिफ्ट एक्सपो में आने के लिए आपको नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर 18 साल से छोटे बच्चे अलाउड नहीं हैं। विज़िटर एंट्री फ़ी इस वक्त जो ली जा रही है वो है 500 रुपीज़, जो कि पहले बिल्कुल फ्री था। करीब 5 से 6 हज़ार लोगों के लिए ये लोग फ्री रखते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज आता है, तो आप उसमें प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ्री आप इसमें एंट्री पा सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक रहता है। इस बार गिफ्ट एक्सपो में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी समय जो है कोरोना में लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। लास्ट ईयर भी जो है इतनी भीड़ नहीं थी जितनी इस बार देखने को मिल रही है। धीरे धीरे कोरोना का खौफ भी लोगों में ख़त्म हो गया है। और देखते हैं क्या क्या स्टॉल्स हैं इस बार, क्या क्या नए आपको कुछ देखने को मिलता है। बने रहिएगा मेरे साथ, आगे आपको दिखाते हैं। यह बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रेड एग्जीबिशन है। यदि आपको कॉर्पोरेट बिज़नेस करना हो या कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना हो या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना हो, तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक है यहाँ पर आना। यहाँ इस तरह के UV और DTF प्रिंटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप मोबाइल के पीछे प्रिंटिंग कर सकते हैं या किसी भी हार्ड सरफेस पे ये स्टिकर्स को आप पेस्ट कर सकते हैं। और ये आगे देखिए, एक और गिफ्ट शॉप आपको दिखा रहे हैं सामने, ये क्वार्ट्स का गिफ्ट शॉप लगा है यहाँ पर। गिफ्ट आइटम्स में आजकल आप देख सकते हैं ये 3D आइटम्स भी दे सकते हैं, जो कि MDF बोर्ड पे बनी होती है। इसके ऊपर शायद विनाइल पेस्टिंग करके ये बनाया जाता है। तरह तरह की टी शर्ट्स आपको देखने को मिल सकती हैं, इन पर अलग अलग तरह की प्रिंटिंग होती है, जैसे कि DTF हो गया, सब्लिमेशन हो गया एंड स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया। ये गिफ्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी आइटम है, जो कि क्रिस्टल में प्रिंटिंग होती है। देखिए, क्रिस्टल के बीच में आपको इस तरह से अपनी फ़ोटोग्राफ्स या किसी को आपने कोई गिफ्ट देना है उसकी फ़ोटोग्राफ आप उसमें इंसर्ट कर प्रिंट कर आप आगे आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। फ्रेम्स आप देख रहे हैं।
यहाँ आपको मल्टीपल की रिंग्स मिल सकते हैं देखने को, और साथ ही इनके पास जो है बॉटल ओपनर भी है। और यहाँ आपको दिखाते हैं, ये एक स्टॉल है जहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मशीन्स लगी हैं, लाइक यूवी प्रिंटर्स लगे हैं, इसके स्टिकर्स हम मोबाइल के पीछे भी पेस्ट करके मोबाइल का बैक कवर बना सकते हैं। और साथ ही अब ये देखिए, यहाँ पर आपके मोमेंटोज एंड ट्रॉफीज़ लगी हैं, सी कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं। ये कुछ कैनवास मीडिया पे प्रिंटिंग मशीन्स एंड आई थिंक ये DTF प्रिंटिंग मशीन है, जो कि जिसका टी शर्ट पे हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, ये टी शर्ट की ही मशीन है, देखिए इस तरह से इस पर प्रिंटिंग होती है। इसका कुछ प्रोसेस ऐसा रहता है कि इधर से ये प्रिंटिंग होती है और फिर इस पर कुछ पाउडर, ये देखिए ये मशीन ऐसी, इस पर बीच में पाउडर डला है वाइट कलर में, और ये ऑटोमेटिक उसके ऊपर उसको फ्लो कर रहा है। देन ये थोड़ा हीट प्रोसेस करके इसमें हम जो है टी शर्ट के ऊपर प्रिंट ट्रांसफ़र कर दिए थे। और आप देख सकते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर जो है बरिस्ता का स्टॉल भी लगा है। यहाँ पर लंच के टाइम पे आपको बूफे का भी इंतजाम मिल जाएगा, और अगर आपको फुल प्लेट चाहिए जिसमें आपका प्राइस होता है 280 रुपीज़, और अगर आपको डिफरेंट टाइप से पिज़्ज़ा और अदर थिंग्स खानी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर स्टॉल्स लगी दिख जाएंगी। ये देखिए यहाँ एक मशीन है वर्व मिनी, इस पर लिखा है, और ये मेटल को प्रिंट करती है। देखिए कैसे मल्टी कलर मेटल पे प्रिंट हो रहा है, और शायद ये एक्रेलिक शीट्स पे भी प्रिंट कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी स्टॉल्स हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, हर तरह के गिफ्ट्स आइटम, ऑफिसेज के लिए पेन स्टैंड्स, टी शर्ट्स एंड बच्चों के लिए वाटर बॉटल्स, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रेशर कुकर, किचन से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, ये देखिए गोपेश्वर। गोपेश्वर हमारे यहाँ उत्तराखंड में चमोली ज़िले में एक जगह है, देखिए गोपेश्वर नाम से भी यहाँ पर एक स्टॉल है। देखिए ये भी एक प्रिंटिंग की मशीन है जिसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, और ये एक मशीन है जो कि एंग्रेविंग करती है मेटल पर, ये लेज़र के थ्रू इसका प्रोसेस होता है, ये लेज़र मशीन है। और ये लेज़र मशीन आप देखिए, ये वुड पर प्रिंटिंग करती है
एनग्रेविंग करती है। ये गिफ्ट आइटम्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, बहुत यूज़फुल है। अगर किसी का नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके यहाँ मकान बन रहा है, खिड़की दरवाजे लगने हैं, उस पर भी इस तरह का प्रिंट हो सकता है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर एरिया पर ऊपर से लेज़र बीम आ रही है, उसके थ्रू यहाँ पर जो है ये बर्न हो रहा है, देखिए। और जो एरिया बर्न हो रहा है वो एनग्रेव हो गया है वहाँ से, और उसका कलर एक अलग वे में चेंज हो चुका है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देखिए। आज गिफ्ट एक्सपो का यहाँ लास्ट डे है, 29 जुलाई को। अगर आप बेंगलोर से मुझे देख रहे हैं और बेंगलोर से रहने वाले हैं, तो 7 से 9 सितंबर 2023 में ये बेंगलोर में लगने वाला है। देन कोलकाता में 16 से 18 फरवरी 2024 में लगने वाला है, और जो वहाँ से लोग देख रहे हों तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आप गूगल सर्च करके चेक कर सकते हैं कि बेंगलोर और कोलकाता में यहाँ पर किस जगह लगेगा ये। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर जाइएगा गिफ्ट एक्सपो में, इसमें आपको जो है जाकर एक नई जानकारी मिलती है। आप न्यू बिज़नेस स्टार्टअप अगर करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गिफ्ट एक्सपो के बाहर, अब यहाँ से चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो आपके लिए इसमें जो हमने आज वीडियोस दिखाई हैं, मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। गिफ्ट के लिए नए आइडियाज़, बिज़नेस के लिए नए आइडियाज़ आपको मिले होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पर्वत गाथा को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके लिए नई वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। थैंक्स।